पढ़ने में तुमको क्या होता है साइंस का आविष्कार कर रहा है, नया नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, जैसे स्पेस में चला गया, सब टेक्नोलॉजी साइंस क्या है? तत्व ठीक है, वो भी साइंस है सही। और मनुष्य का स्टडी ठीक। अच्छा सोशल साइंस भी होता है ना, तो वो साइंस नहीं है? हाँ तो ये सब साइंस। तो साइंस क्या है बेसिकली? साइंस बस वो नहीं है कि कुछ मशीन बना रहा है या फिर केमिस्ट्री में एकदम तत्व जोड़ के कुछ बना रहा है। साइंस असल में क्या है? प्रयास है ज्ञान इकट्ठा करने का, है ना, और ऐसा ज्ञान जिसको आप प्रूफ कर सकता है ना। जैसे ज्ञान बहुत तरह का हो सकता है, मैं तुमको बोलूंगा कि मैंने भगवान देख लिया अपने सिस्टर में, लेकिन मैं प्रूफ कैसे करेगा, तुमको नहीं प्रूफ कर सकता ना। लेकिन अब जैसे अगर ग्रेविटी का बात करता है, ग्रेविटी प्रूफ कर सकता है कैसे? हाँ साइंस से, बहुत सिंपल है, इसी को ये गिरा गिरता है। तो साइंस क्या हुआ बेसिकली? ज्ञान इकट्ठा करने का प्रयास है, और ये बस हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग नहीं कर रहे, पूरे जितना भी मनुष्य एक साथ कर रहा है अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, है ना। जितना भी जो साइंस का ज्ञान है बस एक ही आदमी ने अलग अलग किया है। जैसे हम आइंस्टाइन का बात करता है, आइंस्टाइन से पहले न्यूटन था, आइंस्टाइन से पहले प्लैंक था, उससे पहले न्यूटन था, उससे पहले और भी कई लोग था। तो धीरे धीरे जैसे मैं आज छोटा सा एक आविष्कार करता हूँ, छोटा कुछ नया चीज बनाता है, उसके चलते हो सकता है उसकी वजह से, हाँ जैसे गैलीलियो अराउंड 1600 साल 1600 एडी में वो था, तो उसने क्या टेलीस्कोप बनाया, बहुत सिंपल टेलीस्कोप था, छोटा सा, उससे ज्यादा नहीं देखेगा, लेकिन क्योंकि उसने पहला टेलीस्कोप बनाया, उसके बाद और भी कई लोग आए, जैसे हबल, एडविन हबल, ये सब लोग आए जिन्होंने और भी पावरफुल टेलीस्कोप बनाया, जिससे वो पूरा दुनिया देख सकते थे, पृथ्वी यूनिवर्स देख सकते थे ना। तो साइंस वही, यानी पूरा जो मानव जाति है वो एक साथ प्रयास कर रहा है अपने दुनिया को, यूनिवर्स को समझने का, है ना। कुछ भी हो सकता है, वो फिजिक्स हो सकता है, तत्व केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी जीवन के बारे में हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है। सोशल साइंस क्या हुआ? संस्कृति के बारे में पढ़ना, मनुष्य के दिमाग के बारे में पढ़ना। तो जो भी ज्ञान जिसको आप प्रूफ कर सकता है और एक दूसरे को बता सकता है ना, वो साइंस। ठीक तो अलग अलग तरह का साइंस आपने देखा है। एक होता है जो अनुभव जानते हैं, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व। एक साइंस इस तरह का है जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहां से ज्ञान लेकर। और क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हैं ना, साइंस का जो प्रूफ कैसे मिलता है? एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अगर एक्सपेरिमेंट गलत है तो यानी क्या हुआ? जो आपका जो ज्ञान जो आपने सोचा था वो गलत है ना, तो फिर आप और एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको सही करने का। तो इस तरह का दो साइंस है, जैसे एक नेचुरल साइंस होता है। नेचुरल साइंस यानी हाँ प्रकृति यूनिवर्स का नियम को पढ़ना, प्रकृति को समझना है ना, जो हमारा दुनिया है मेटीरियल फिजिकल जो दुनिया है उसको समझना। और दूसरा क्या है? सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या हुआ? हाँ समाज को पढ़ना, लोगों को पढ़ना, ये संस्कृति पढ़ना, ये सब। तो दो तरह का साइंस हो गया। नेचुरल साइंस में क्या क्या आएगा बताओ?
कुछ भी ना फिजिक्स ये साइंस में आपको क्या पढ़ता है अभी हाँ तो नेचुरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हाँ लाइफ साइंस बायोलॉजी एक ही बार तो क्या हो रहा है यहाँ पे नेचुरल यानी प्रकृति के बारे में पढ़ रहा है ना प्रकृति का नियम पढ़ता है इसमें तत्वों का नियम पढ़ता है इसमें जीवन का नियम बायो है ना वैसे सोशल साइंस में अब क्या क्या आता है हिस्ट्री सोशियोलॉजी है ना ज्योग्राफी साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या होता है मनुष्य का दिमाग ठीक है उसके बाद ये दो मेन प्रकार का साइंस है इसके अलावा फिर आता है फाउंडेशनल साइंस फाउंडेशन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है मूलिक मूल बेसिक फाउंडेशनल साइंस हम मानते हैं दो चीज एक तो मैथ लॉजिक मैथ और लॉजिक लॉजिक क्या होता है लॉजिक का आपको मतलब देखना है ठीक है अगली बार लॉजिक का मतलब समझना ठीक है लॉजिक बेसिकली जैसे जिस तरह से हम सोचता है जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है घर है यहाँ पे एक दरवाजा इधर एक दरवाजा है यहाँ से जैसे किस तरह से आदमी सोचता है क्या सही गलत कैसे बताता है जैसे कि 2 प्लस 2 इक्वल 4 तो ये कैसे इसका लॉजिक क्या है कि 1 2 और 1 2 दोनों को जोड़ दे कितना हुआ 4 है ना 2 प्लस 2 5 नहीं होता है वैसे लॉजिक है कि यहाँ पे मान लो ये घर है एक घर है ठीक है दो दरवाजा है यहाँ पे एक आदमी दो आदमी इस घर के अंदर जाता है और उसके बाद यहाँ से निकल रहा है कितना आदमी निकलेगा यहाँ से दो निकलेगा लॉजिक अब अगर एक ही निकला तो उसका मतलब क्या है हाँ एक घर में रह गया अगर तीन निकल गया तो एक अंदर पहले से था तो यही लॉजिक है समझ रहे बेसिकली सोचने का तरीका कि यानी अगर यहाँ से दो लोग गया है अगर दोनों निकल रहे ठीक है अगर एक ही निकला यानी कि दूसरा आदमी कहाँ गया अभी भी अंदर है और अगर यहाँ से दो गए लेकिन तीन निकल रहे तो मतलब क्या वो एक अंदर पहले से था वो साफ निकला है तो इन सब चीजों को लॉजिक होता है जिससे आप सही गलत का अंदाजा लगा सकते हैं ना और मैथ इसका मतलब देख लेते हैं एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए और दूसरा मैथ इसको फाउंडेशन मूल साइंस क्यों होता है क्योंकि इनके बिना आप बाकी साइंस नहीं कर पाएगा मैथ्स के बिना जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री आपने देखा प्रूफ किससे होता है मैथ से होता है और लॉजिक से होता है लॉजिक हर चीज में आता है जैसे कि आप वो हाँ ये भी लॉजिक है मुझे रिकॉर्ड करना है ना क्लास का लेकिन कुछ मेरे पास स्टैंड नहीं है तो क्या करेगा ऐसे बुक पे रख सकता है या फिर कुछ कर सकता है किसी भी चीज का सलूशन आप ऐसे ही ढूंढना ना जैसे कि ये लॉजिक पे अगले क्लास में थोड़ा और बात करें ठीक और ये साइंस का जैसे मैंने आपको बताया चल रहा है बहुत टाइम से हम लोग जो मनुष्य एक साथ नेचर अपने दुनिया को समझने का कोशिश कर रहा है ना तो ये देखता है कहां से शुरू हो रहा है कैसे चला है ये चीज शुरुआत में जैसे आपको पता है मॉलिक्यूल के बारे एलिमेंट्स पहले अराउंड क्या बहुत 2-3 हजार साल पहले इंडिया और ग्रीस में मूलिक क्या मानते थे क्या मूलिक होता है वो लोग नेचर एलिमेंट्स मानते थे कि अर्थ फायर वाटर विंड वाटर एयर तो तब इन लोगों का मानना था कि जितना भी जो दुनिया बनी है वो इन चार एलिमेंट से बनी है अर्थ फायर वाटर एयर जितना भी सब कुछ है इनसे बना है अब धीरे धीरे आप मॉडर्न साइंस में आते हैं मॉडर्न साइंस ने अब आपको क्या बता दिया है मॉडर्न साइंस हाँ कि कैसे मूलिक होता है ये देखो जो मैंने अभी पीरियोडिक टेबल दिया है अब इतना सारा आपको पता लग गया मूलिक का है ना कि अर्थ में कार्बन भी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन मूलिक का मतलब क्या जो चीज उससे छोटा नहीं हो सकता है वही रहेगा
लेकिन अब हमको पता है ना अर्थ के अंदर बहुत एलिमेंट्स है, फायर में भी अलग चीज है, फायर ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है तब जलता है ना, वाटर में क्या H2O है और भी केमिकल्स है, एयर में तो खूब सारा गैसेस है। तो अब हम और इन जो पीरियोडिक टेबल है, अब हमको पता है ये बेसिक मूल मूलिक है, इससे कम नहीं हो सकता ना, ये सब आपको जानता है। हाइड्रोजन को और आप कुछ और चीज में नहीं बना सकते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। तो यही आप देख रहे, जैसे 2-3 हजार साल लगा है हमको साइंस बढ़ने में, तब हम इंडिया ग्रीस में हम मानते थे कि 4 मूलिक होता है बस, अब धीरे धीरे करके अराउंड 100 से भी ज्यादा हम मूलिक ढूंढ गया नेचर में, है ना। तो वही बार बार इसका ये मतलब कि साइंस हमेशा शुरुआत से एक वो नहीं रहता, धीरे धीरे बनता है, कल को हो सकता है हम और मूलिक ढूंढ लेगा, या फिर हमको पता चलेगा कि हाइड्रोजन के अंदर भी कुछ और है, हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी आ जाए ना। टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी साथ चलता है, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस में अगर जैसे कि आइंस्टाइन ने अपना थ्योरी बताया कि इक्वल्स एमसी स्क्वायर, उससे क्या टेक्नोलॉजी है, वॉट टेक्नोलॉजी है, जैसे बॉम्ब और भी कई टेक्नोलॉजी है, रिएक्टर पावर जिससे इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, तो साथ चलते, ठीक। अच्छा और एक और मैं भूल गया, एक और चीज जो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, फाउंडेशनल साइंस, मैथ्स और लॉजी, एक और होता है अप्लाइड साइंस। एक और मतलब देखना है अप्लाइड, APPLY, लॉजिक और अप्लाई, दोनों वर्ड का मीनिंग देखना, लॉजिक APPLY और लॉजिक। अप्लाइड साइंस यानी जहां पे भी साइंस का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हाँ है ना, जिसमें यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, अप्लाइड साइंस जैसे इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के साथ ही आईटीआई और डिप्लोमा, अरे वो सब तो पढ़ाई का कोर्स है, बीए टू बीटेक ये सब, इंजीनियरिंग मेडिसिन डॉक्टर, इसमें क्या है, ये लोग साइंस का जो थ्योरी है, कानून है, नियम है, उस चीजों को ये लोग इस्तेमाल कर रहा है, ये मशीन बना रहा है, ये लोगों को बचा रहा है, दवाई बना रहा है ना, तो समझ गया अप्लाइड, जिस चीज में अप्लाइड निवेदन ना, जिस चीज में इसमें यूज हो रहा है साइंस, इसमें यूज हो रहा है ना साइंस, ऐसे एक बार आपको हाँ कई बात भी किया था, जैसे एक बार इसी पॉइंट पे की पहले दुनिया में लोग मानता था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है ना, उनको लगता था अगर बोट में ऐसे से जा रहा है, यहाँ से इधर निकला है बोट, तो यहाँ से कहीं नीचे गिर जाएगा, तब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था साइंस जानने, तो हम लोग यही मानता था, फिर कुछ आया गैलीलियो, ये लोग आया मैगेलियन आया है ना, मैगेलियन एक आदमी था जिसने पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया, यहाँ से वो स्पेन या कहीं से शुरू किया, पूरा ऐसे घूम के यहाँ से पीछे से आके वापिस आया, तो क्या हुआ, वो उसका शिप कहीं नीचे तो नहीं गिरा ना, पूरा घूम के आ गया, तो तब से लोगों को पता चला कि अर्थ क्या है, गोल है, फ्लैट नहीं है ना। तो ऐसे ही साइंस आगे बढ़ते रहता है, और जैसे अभी भी हमको यानी साइंस का क्या है लिमिटेशन नहीं पता है, एक आपको हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है वो हमको नहीं पता है ना, और कितना छोटा है वो भी नहीं पता, यानी एटम के अंदर क्या है, क्वार्क के अंदर क्या है, वो हमको अभी भी नहीं पता है ना। तो अभी भी साइंस लिमिटेड है, अभी भी अपने आप को वो आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है ना, साइंस खत्म नहीं होता है कभी, आगे चलते रहता है। तो जैसे कि आप ज्यादातर जो जितना भी मशीनें बड़ा बड़ा आविष्कार हुआ है, हम लोग को लगता है कि पिछले 200 साल में हुआ है ज्यादातर, ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, बॉम्ब, गाड़ी, ये सब पिछले 200-200 ईयर्स में हुआ है ये सब, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि इससे 200 ईयर्स से पहले जो 2000 साल से 3000 साल से पहले का साइंटिस्ट काम कर रहा था, अगर वो लोग वो सब काम नहीं किया होता तो ये सब नहीं आ पाता है ना। ये सब नियम ढूंढा, प्रकृति का बहुत सब रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, इसी की वजह से हम मॉडर्न जमाने में इतना कुछ बना पाया है ना। समझ आना क्या बोल रहा हूँ, अगर जो आदि मानुष के समय में वो कभी चक्का नहीं बनाता है ना, मान लो 10,000 साल पहले चक्का बना लिया था, अगर 10,000 साल पहले ये नहीं बनता तो अभी का जो हमारा ट्रेन, गाड़ी, ये सब नहीं बनता ना, समझ आना। तो
तो हमेशा एक चेन में चलता है साइंस और हमेशा बढ़ते रहता है आगे, जैसे हम लोग का भी क्रम विकास का बात किया था, एवोल्यूशन है ना, जैसे हम लोग क्या बंदर से बना, पहले बिग बैंग से आते हुए हमने देखा क्या हुआ, मछली जीवन कैसे शुरू, बैक्टीरिया, मछली, डायनासोर, बर्ड्स, मैमल, इंसान, एक भी अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो बाकी सब नहीं होता, तो वैसे ही अगर पहले का साइंस नहीं होता तो अभी का ये सब भी हम मशीन नहीं बना पाए, है ना। तो ये सब का एक बहुत बेसिक ये जो बात है साइंस का बेसिक क्या, साइंस में हम ज्ञान कैसे ढूंढता है, साइंस का तरीका क्या है, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक तो साइंस है ना, मेथड का मतलब क्या है, हाँ टेक्निक, किसी चीज को करने का तरीका, मेथड भी एक बार देख लेना, वैसे मेथड सिंपल शब्द है। तो वही साइंटिफिक मेथड यानी एक बहुत सारा टेक्निक या फिर आइडिया जिससे साइंस हम करते हैं ना। और ये सब ये जो तरीका है बहुत समय से पहले अरिस्टोटल नाम सुने आप लोग है ना, अराउंड ग्रीस 300 BC है ना, इस टाइम से चलते आ रहा है साइंटिस्ट। और अराउंड 1000 AD में एक आदमी था अरब देश में, अरब पता है ना कहां पर है, मिडिल ईस्ट, अरब देश में एक आदमी था जिसका शॉर्ट नेम है अल हेजन ने, A-L-H-A-Z-E-N ने एक तरीका बताया साइंस करने का कि जिससे आप क्या है, पहले एक सवाल उठाते हैं, फिर उस पे ऑब्जर्वेशन करते हैं यानी देखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब प्रूफ। तो जो मॉडर्न साइंस है मैंने आपको बताया क्या है, ज्ञान इकट्ठा करना प्रूफ के साथ, तो वो चीज इसको हम बोलते हैं, गैर वेजन ने ये चीज शुरू किया था, ठीक है। अभी जो देश इराक है, इराक तो वो इराक से था, ठीक है, लेकिन अराउंड 1000 साल पहले हमसे, तो इसने साइंटिफिक मेथड को एक तरह से लिखा और लोगों को बताया, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करेंगे, उसके बाद वही जैसे पहले अरिस्टोटल, सोक्रेटिस ये लोग ने काम किया, उसके बाद उस काम को फिर अल्हेजन ने आगे बढ़ाया, उसके बाद फिर क्या है कुछ 600 साल बाद गैलीलियो जैसा लोग आया, उन्होंने इस चीज को और बढ़ाया, फिर क्या है न्यूटन, प्लैंक, आइंस्टाइन, ये सब लोग आए, है ना। तो वही आप देख रहे ना, फिर से चेंज चल रहा है आगे, है ना, धीरे धीरे छोड़ रहे। तो अब साइंटिफिक मेथड का बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड है क्या, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो है ना, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या तरह का क्वेश्चन होता है, 5W, व्हाट, माय, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाँ हू भी है, ठीक है, 6W, हू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइंटिफिक मेथड में, कि कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ सवाल है जो हमको नहीं पता है, उस पे हम सवाल उठाते हैं, कुछ भी, कि फैन क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, गर्मी क्यों लग रहा है, क्योंकि सन बहुत तेज है ना। तो वही पहले हम सवाल से शुरू करते हैं, उसके बाद क्या करता है, फिर थोड़ा रिसर्च करेगा, जैसे हम सवाल कुछ किया, रिसर्च का मतलब क्या, उस प्रॉब्लम पे ऑलरेडी जो काम हुआ है उसको देखना, जैसे कि ये वही हमने बात किया एलिवेशन ये सब का, तो अगर ग्रेविटी पे अभी मैं अगर काम कर रहा हूँ तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूटन का काम पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब जो पहले ग्रेविटी पे काम किया वो पढ़ना पड़ेगा, उसको रिसर्च होता है, ठीक है। रिसर्च यानी किसी भी चीज का पहले जो काम हो रहा है उसको पढ़ेगा, फिर कुछ नया अपना करेगा ना, रिसर्च। फिर क्या होगा, हम एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट को देखेगा और उसके हिसाब से फिर हम फाइनली
आंसर ढूंढेगा, है ना? ये साइंटिफिक मेथड यही हुआ। क्या क्वेश्चन? रिसर्च, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन माने देखना, उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस यानी A-N-A-L-Y-S-I-S। एनालिसिस यानी जितना भी आप जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है आपको, तो बहुत कुछ उसमें आप नोट करेगा ना। एक्सपेरिमेंट अगर कुछ कर रहा है कि कितना स्पीड में यहाँ से यहाँ पहुंचता है एक आदमी, तो आप उसका यहाँ पे स्पीड देखेगा, यहाँ पे टाइम देखेगा कितना टाइम लगा है। और जब वो सब आपको लिस्ट मिल गया, जैसे 5 बार वो भागा है, तो इसके हिसाब से आप स्पीड कैलकुलेट, उसको एनालिसिस बोलता है, ठीक है? कैलकुलेट ये सब करता है। और फाइनली आंसर या कंक्लूजन, है ना? और धीरे धीरे अगर आपका आंसर है जो एक्सपेरिमेंट से सही आता है, उसको धीरे धीरे फिर क्या बन सकता है? थ्योरी। जैसे बिग बैंग थ्योरी, ग्रेविटेशनल थ्योरी, ये सब थ्योरीज है। थ्योरी यानी एक तरह का सच जिसका कुछ प्रूफ है ना। तो अब जैसे इस पे थोड़ा एग्जांपल पे बात कर सकता कि आपको और आसानी से समझ में आए। इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे सबसे इजी एग्जांपल क्या है कि मान लो क्वेश्चन, शुरुआत का क्वेश्चन है कि पॉइंट ए बी या फिर यहां से लेकर कामना तक मुझे पहुंचना है जल्दी बिना एनर्जी यूज किए, यानी आसानी से। कैसे, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास यहाँ से कामना जाने का? चल के जा सकता है, वॉक, और साइकिल जा सकता है, मोटरसाइकिल, गाड़ी में जा सकता है, ठीक है? तो अब इसको भूल जाता है। तो शुरुआत में सोचो, अगर ये प्रॉब्लम आप कुछ 1500 साल पहले 500 एडी में हम ये सोच रहे हैं, है ना? तब क्या है, बस हमारे पास व्हील है, चक्का है, मोटर नहीं है, कुछ नहीं अभी बना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना है, तो क्या करेगा? अच्छा, बुलेट कार्ड। हाँ ठीक है, लेकिन बुलेट कार्ड बहुत बड़ा है, बस आपको अकेले जाना है, ठीक है? जल्दी जाना है, चल के जाएगा, ठीक है? लेकिन हो सकता है जैसे कि हम ऐसे ही करके धीरे धीरे साइकिल बनाए लोगों ने। पहले क्वेश्चन पूछा कि यहाँ से यहाँ जल्दी जल्दी कैसे पहुंचेगा, उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया कि अच्छा बैल का बोलो कार्ट है, लेकिन बोलो कार्ट में टाइम लगता है, धीरे धीरे जाता है ना बोलो कार्ट वाला। और उसमें क्या है, बोलो कार्ट में आपको बुल चाहिए, अगर किसी के पास बुल नहीं है वो क्या करेगा? ये फाइनली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया, एक टायर यहाँ लगा दिया, एक टायर पीछे लगा दिया, और दो डंडा से जोड़ के एक सीट लगा दिया यहाँ पे हैंडल, ठीक है? अभी पेडल वेडल कुछ नहीं है, ऐसे पैर से ही धक्का देके जा रहा है उसका। धीरे धीरे फिर इस मशीन को और अच्छा बनाया, क्या पेडल बना दिया, चेन बना दिया, ब्रेक लगा दिया, ठीक है? ऐसे ऐसे करके आपका साइकिल बन गया। फाइनली इसमें एक मोटर लगा दिया, इंजन लगा दिया, क्या बन गया? मोटरसाइकिल, है ना? तो ऐसे ही यही साइंटिफिक मेथड, धीरे धीरे आप। और साइंटिफिक मेथड में पहला आपने जो साइकिल बनाया उसमें आप देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आप पैर से करना पड़ रहा है, तो इसलिए चेन और पेडल बना दिया ताकि कम मेहनत करना पड़े। उसके बाद गाड़ी अब रुक भी रहा है तो क्या करेगा, ब्रेक, तो उसके बाद ब्रेक लगा दिया। तो ऐसे ऐसे करके मशीन बनाया। एक तो और एग्जांपल ले रहा है इस चीज का, ठीक है? हाँ, न्यूटन का ही बात करते हैं, ग्रेविटी का। तो न्यूटन ने क्वेश्चन, न्यूटन का क्वेश्चन क्या था? हाँ, चीजें क्यों नीचे गिरता है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई ने देखा होगा। सोचा आप, न्यूटन अराउंड 1600 एडीज में काम कर रहा था, 1700 में काम कर रहा था, ठीक है? उस समय पे, अब उससे पहले भी कई लोगों ने देखा होगा एप्पल को गिरते हुए या फिर चौक को गिरते हुए, जो भी गिरता हुआ, है ना? लेकिन न्यूटन में क्या अंतर था, उसने उस क्वेश्चन को और सोचा कि क्या होगा, क्यों गिर रहा है ये। बाकी लोग बस मान गए कि हाँ गिरता है, खत्म। न्यूटन ने कहीं की सवाल बार बार पूछा क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया, मैथ्स किया, एनालिसिस किया, कैलकुलेशन किया, तब जाके ग्रेविटी का थ्योरी को बनाया, है ना? ठीक है,
उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी शरीर, ह्यूमन शरीर, पहले उसमें क्या सवाल था, जैसे अराउंड अगेन फिर से कुछ हजार साल पहले से सवाल चल रहा है, 2000 साल पहले कि इंसान के शरीर के अंदर क्या है, कैसे चलता है, कैसे निकालेगा। अब अगर आप 2000 साल पहले जी रहा था और साइंटिस्ट है और आपको पता करना है इंसान के शरीर के अंदर क्या है, तो कैसे पता करेगा, हाँ बताओ, क्या एक्सपेरिमेंट होगा, कैसे एक्सपेरिमेंट करेगा। आपको पता करना है कि किसी मशीन के अंदर कुछ क्या है या फिर इंसान के शरीर के अंदर क्या है अंदर, तो कैसे पता लगेगा, हाँ काटना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक डेड बॉडी लिया उसको काटा, तो वही पुराना साइंटिस्ट यही किया था, तभी हमको पता लगा कि अंदर क्या क्या है, लंग्स है, लीवर है, स्टमक है। लियोनार्डो डा विंची नाम सुना है, लियोनार्डो डा विंची, अच्छा ठीक है, काफी एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, आर्टिस्ट, पेंटर आदमी थे वो, इटली का, कुछ हमसे 500-600 साल पहले रहते थे। अरे बोलो ना, हाँ तो वो यही करते थे, यानी वो क्या करता था, वो लोगों को भेजता था कब्रिस्तान, जानते हैं ना कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, यहाँ पे लोगों को दफन कर देता है मरने के बाद, बरी करता है ना जमीन में, हाँ कबर, कबर में डाल देता है। तो लियोनार्डो पैसे देता था लोगों को कि वो लोग नया नया कबर खोद के बॉडी लाए उसके पास और फिर वो बैठ के रात को उनको काट के देख रहा था अंदर क्या है ना। अजीब लग रहा है लेकिन यही ऐसे ही साइंस बना, अगर लियोनार्डो जैसे लोग वो सब नहीं कर रहा होता तो हम अभी नहीं पता होता इंसान को कि क्या है अंदर। अब तो एक्सरे ये सब आ गया है लेकिन पहले तो नहीं था ना ये सब। वैसे ही एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट, इस पे पहले हम भी बात किया है कि हमको अगर जानना है क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज अ प्लांट नीड टू सर्वाइव, एक प्लांट को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, क्या दरकार, वाटर और कार्बन और लाइट, सनलाइट है ना। तो क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू लिव है ना, क्या दरकार। तो उसके बाद आप क्या करेगा, एक आपने एक थ्योरी बनाने शुरुआत का, हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको, हाइपोथेसिस। तो इन्होंने बोला कि हाइपोथेसिस की प्लांट को क्या दरकार है, पानी और सनलाइट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक प्लांट लिया उसको एक डार्क कमरा में, कमरा के अंदर रखा और बिल्कुल पानी नहीं दिया है ना, और दूसरा आपने प्लांट लिया उसको बाहर रखा धूप में और खूब रोज पानी दिया, ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, आप क्या देखेंगे इन प्लांट्स में, क्या देखेंगे, हाँ और ये मर जाएगा है ना, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ। तो वहां से ऑब्जर्वेशन से आप क्या आंसर आपको मिलेगा कि आपका हाइपोथेसिस करेक्ट है, सही है, यानी कि प्लांट को क्या चाहिए, तो ये एक्सपेरिमेंट, यही साइंटिफिक मेथड के द्वारा एक्सपेरिमेंट होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज है, एप्लीकेशन क्या कर सकता है, जैसे आप अप्लाइड साइंस बात करते हैं, अप्लाइड साइंस इंजीनियरिंग में समझते हैं, एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, इस थ्योरी का जो हमने बनाया, बहुत सिंपल, कि हो सकता है आप एक बड़ा सा नर्सरी या फिर खेत बना दे जहां पे खूब सन है और खूब पानी है, वो एप्लीकेशन हो गया ना, क्योंकि अब आपको पता है कि प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट और पानी, तो आप बाहर उसको एक बड़ा सा अपना खेत चास कर सकता है पानी और सनलाइट में, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसी पे ही एक बात करता है, जैसे और ये बस साइंटिफिक चीजों के लिए नहीं है, हर चीज में साइंटिफिक मेथड, आपको सोचने का प्रॉब्लम अगर कोई है उसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें साइंटिफिक मेथड आपको मदद कर सकता है। जैसे कि मैं क्लास में आता हूँ और मुझे पता करना है कि क्लास में सबसे अच्छा एक्टर कौन है ना, तो क्या करेगा, क्वेश्चन ये है, हू आर द बेस्ट एक्टर्स इन क्लास। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, क्या कैसे करेगा, और जो बड़ा ठीक, तो
सबसे पहले मैं क्लास में आऊंगा, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कौन कौन एक्टिंग करना चाहता है ना। तो मान लो आपको 50 लोग है, उसमें से आप 5 लोग एक्टिंग कर, 10 लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर मैं एक्सपेरिमेंट क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा एक्सपेरिमेंट, हाँ सबको, अब जैसे 10 लोग जो एक्टिंग करना चाहते हैं उनको मैं बोलूंगा लाइन में खड़ा हो जाओ और सबको कुछ एक एक लाइन, एक पोएम दे देगा या कुछ दे देगा, बोलेगा अब इसको आप एक्ट करके दिखाओ, है ना। क्या बोलते हैं इसको, ऑडिशन बोलते हैं ना, ऑडिशन। तो उन 10 लोगों को ऑडिशन लेगा और सबका मैं मार्क्स लिखूंगा एक जगह, जैसे कि एक्टिंग का 10 मार्क्स, इसमें सिंगिंग में 6 मार्क्स, जो भी और क्या, डांसिंग में 5 मार्क्स, है ना, जैसे एक्टिंग, डांस और सिंगिंग। तो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 10, तो एक का 7, 6, 7, 10, 8, 3, 10, 10, 10, तो अब इस सब का मार्क्स है। अब मेरे को बस, लेकिन जो मैं नाटक करवा रहा हूँ उसके लिए बस 3 लोग चाहिए, तो मैं इसमें से सेलेक्ट करूंगा ना, जैसे कि इसको तो मैं लूंगा ही, क्योंकि क्या है तीनों में 10, 10, 10 है। लेकिन अब इसमें देखो, इसका एक्टिंग 10 है, डांसिंग भी अच्छा है, लेकिन सिंगिंग बहुत अच्छा, सही नहीं है, 3 है। इसका थोड़ा बराबर है, एक्टिंग भी सही है, डांस भी सही है, सिंगिंग भी सही है, तो हो सकता है इसकी जगह मैं इसको ले रहा है ना। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस, कि जो आपके पास अब डेटा आ गया है उसको आप कैसे उसमें से सही आंसर ढूंढेगा, उसको एनालिसिस। और फाइनली इसका एप्लीकेशन क्या होगा, फिर वो 3 बेस्ट एक्टर, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, मैं इन 3 एक्टर को दूंगा और एक नाटक करूंगा, ये एप्लीकेशन हो गया ना। और कोई एग्जांपल आप सोचो अपने तरफ से, जो साइंटिफिक मेथड से आपको कोई क्लास में कुछ प्रॉब्लम है जो भी है, तो उसका जवाब कैसे ढूंढेगा साइंटिफिक मेथड से। स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ भी, क्या प्रॉब्लम है स्कूल में, बताओ कोई, जूनियर बॉयज हॉस्टल में फैन नहीं है, हाँ, तो अब उसमें साइंटिफिक मेथड लगाओ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या हुआ, अगर फैन का बात करते हैं फिर, कि हाउ कैन यू इम्प्रूव दी हॉस्टल, जूनियर बॉयज हॉस्टल, ये क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखेगा कि वहां पे कमी क्या क्या है, क्या नहीं है उस हॉस्टल में, क्या नहीं है, फैन नहीं है, लाइट नहीं है, और बेड्स पे आप सो नहीं सकता क्योंकि गर्मी है ना, ये प्रॉब्लम है। अब इसका जवाब कैसे ढूंढेगा, फैन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, फैन लगाना पड़ेगा, बेड इधर करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा अलग प्रॉब्लम है कि आपके पास नहीं है ये सब, है ना। यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है पॉलिटिक्स का, कि फैन कहाँ से आएगा ये सब, लेकिन समझ है ना।